और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पुण्यतिथि का मौका है और तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां राजघाट पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जयंती के मौके पर आज यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हैं, बापू को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का यह मौका राजघाट पर बापू की समाधि पर। हर बार की तरह इस बार भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि वो उनके गहन विचारों को याद करते हैं। 30 जनवरी का दिन, यह दिन देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। साल 1948, 30 जनवरी, वही दिन जब महात्मा गांधी की हत्या की गई। पूरे देश के लिए एक ऐसी क्षति जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी की याद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनके विचारों को याद करते हुए ट्वीट में भी प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया। तो तस्वीरें इस वक्त राजघाट से आपके सामने, जहां बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा तमाम मंत्रीगण भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि, पीएम मोदी ने बापू को आज याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये इस वक्त राजघाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज ही के दिन 75 साल पहले बापू की हत्या कर दी गई थी और आज 75वीं पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को आज इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, पहले ट्वीट किया उन्होंने और हर साल की तरह इस बार भी राजघाट पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया प्रधानमंत्री। आज सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और लिखा कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं, उनके गहन विचारों को याद करता हूं। Oh, my God.